यामाहा के PSR-F सीरीज के जो कीबोर्ड्स हैं, इनमें हम मेट्रोनोम कैसे सर्च करेंगे और उनकी जो BPM है, बीट्स वैल्यू है, उसको हम कैसे चेंज करेंगे, वो हम एक बार देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेट्रोनोम लिखा हुआ है, ऑन ऑफ माइनस प्लस। इसमें हमें एक बार फंक्शन की को प्रेस करना होगा और इसको प्रेस करके रखते हुए हमें इसे प्रेस कर देना है जहाँ ऑन ऑफ लिखा हुआ है। यहाँ से इसका मेट्रोनोम ऑन हो जाता है। अब इसकी वैल्यू में बदलना है BPM में, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक टेम्पो टाइप का स्विच दिया हुआ है। एक बार इसे प्रेस करेंगे और जितना BPM हमें करना है, मान लीजिए हम 60 BPM करना चाहते हैं, तो टेम्पो को प्रेस करके हम यहाँ 60 डायल करेंगे तो हमारा BPM 60 BPM हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, अब इसकी स्पीड 60 BPM हो चुकी है। इसे हम बढ़ा के देखते हैं एक बार। अब हमने 100 BPM कर दिया है तो इसकी बीट वैल्यू फास्ट हो गई। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जहां मेट्रोनोम लिखा है वहीं ऑन ऑफ इस की से प्रेस होगा और उसी के जस्ट पास माइनस और प्लस दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। मेट्रोनोम का जो BPM है उसकी वैल्यू माइनस प्लस से नहीं चेंज होगी। उसको चेंज करने के लिए आपको BPM को बदलने के लिए, उसकी स्पीड फास्ट या स्लो करने के लिए आपको टेम्पो का ही स्विच एक बार प्रेस करना होगा और उसको प्रेस करते ही यहाँ TEP लिखा आएगा, तभी आपको यहाँ पर जो भी आपका BPM रखना है उतनी वैल्यू आप यहाँ प्रेस करके उसे बदल सकते हैं।